हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सैटरडे है, कुछ लर्निंग की बात करेंगे। आज देखेंगे हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर का 2.0। ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर का 2.0 जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में हेल्प करने वाला है, गलत ट्रेड में फंसने से आपको बचाने वाला है। और जब भी आप किसी गलत ट्रेड में फंसते हो तो आपको समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हम लोग अभी सोचते हैं कि ऐसे कॉल लिया है हम लोगों ने और मार्केट नीचे नीचे जा रहा है, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता कि इस कॉल में रुके रहे ये रिवर्स होगा या फिर एग्जिट कर जाए। ठीक है, और इसी के लिए जो है वो हम लोगों को 2.0 देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम लोग थ्रू आउट द डिटेल बात करेंगे कि 2.0 को किस तरीके से यूज करना है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, चाहे वो बाइंग हो या फिर सेलिंग हो, दोनों के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपको इन डिटेल्स में नॉलेज चाहिए, सब कुछ एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर आपको अगर सीखना है, तो आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, वहां पर उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हो और एलटीपी कैलकुलेटर का कम्युनिटी बैच जो है वो मेरा ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पर देखते हैं कि चार्ट के अंदर, ठीक है, चीजें किस तरीके से हुई। हम लोगों ने एक वीडियो में पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये वाला जो चार्ट है इसको हम लोग किस तरीके से रीड करने वाले हैं और कहाँ पर सपोर्ट साइडवेज बनेगा। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर भी हम लोग जो है कम्युनिटी बैचेस में सिखाते हैं। अगर आपको पूरा मार्केट ही सीखना है और सब कुछ किस तरीके से चलता है, साइडवेज कब जाएगा, ट्रेंडिंग कब जाएगा, तो आपको एलटीपी कैलकुलेटर सीखने की जरूरत है और कम्युनिटी बैच जो है ज्वाइन करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अभी धन का अकाउंट है, टीवी चार्ट इसका, धन का हमारे पास है। यहाँ पर मैंने निफ्टी लगाया हुआ है, निफ्टी का कॉल और पुट जो है उसको हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस कर लिया है, तो साइज बाय साइज हम लोग इसको चेंज भी करते रहेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग 2.0 एग्जैक्टली निफ्टी कहाँ पर खुला और बॉटम क्या लगाया। अब ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये आपको लाइव में करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं यहाँ से एक बार मार्केट गिरा था रजिस्टेंस लेकर के, उसी पॉइंट पर मार्केट खुल करके एक बार फिर से रजिस्टेंस लिया। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, दिक्कत यहाँ पर नहीं है। हम लोग कोई 5 मिनट की कैंडल में ट्रेड नहीं कर सकते। पुट वालों ने यहाँ पर अगर स्कैल्पिंग की होगी तो ही प्रॉफिट बनाया होगा, अदरवाइज ये फिर उसके बाद रिवर्स हो गया, सारा प्रॉफिट आपका चला जाता। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम लोगों को जाननी है, कहाँ से ये रिवर्स हुआ। ठीक है, और रिवर्स होने के क्या साइंस होते हैं, कब हम लोगों को 2.0 में वो चीज देखनी पड़ेगी। अब पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि 2.0 है क्या। ठीक है, जब भी हम लोग 2.0 का चार्ट लगाते हैं तो ये हम लोगों को 2.0 यहाँ पर दिखाई देता है। अब 2.0 है क्या, इसको बोला जाता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, जो ओपन इंटरेस्ट जिसे हम लोग ओआई बोलते हैं, उसके अंदर जो भी चेंज होता है, यानी कि जो ट्रेडर्स है, ठीक है, प्लेयर्स जो है, ट्रेडर जो है वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, यानी कि पुट वाले इंक्रीज हुए, कॉल वाले इंक्रीज हुए, हम लोग उसको कॉल राइटर पुट राइटर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो कॉल राइटर इंक्रीज हुए या फिर पुट राइटर इंक्रीज हुए, ये यहाँ पर दिखाई देता है कि हाँ ये कॉल राइटर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में दो चीजें होती, या तो कॉल राइटर आते हैं या फिर कॉल राइटर अपनी पोजिशन से एग्जिट करते हैं, ये दो चीजें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में होती है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है COI यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ थ्रू दिखाई देता है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, अभी हम लोगों ने देखा कि मार्केट में हम लोगों को निफ्टी जो है वो कहाँ चल रही है, वो उस टाइम का जो है एट द मनी लगाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए निफ्टी हम लोगों को गिरता हुआ दिखाई दिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया है। अब ये एरिया कौन सा है, करीब करीब 23,480, यानी कि हम लोग उसको 500 मान करके चलते हैं क्योंकि 500 के पास था। तो हम लोगों को कौन सा लगाना चाहिए यहाँ पर, 2.0, 500 वाला 2.0 हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो 500 का मैं यहाँ पर 2.0 कॉल की तरफ से लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2.0 लग चुका है 23,500 का। अब मार्केट में सपोर्ट कहाँ से जनरेट हुआ, क्योंकि ये एरिया जो थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला सपोर्ट है, तो ये लगभग लगभग हम लोगों को दिखाई दे रहे 23,350 पे। तो हम लोग क्या कर गए, 23,350 का यहाँ पर हम लोगों ने चार्ट जो है उसको लगा लिया। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए किस तरीके से देखा जाता है। मान लीजिए कि ये रेड लाइन अगर एग्रेसिवली बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर पुट राइटर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब पुट राइटर इंक्रीज हो रहा है यानी कि पुट को क्या किया जा रहा है, पुट को
सेल किया जा रहा है, हम लोगों को पुट बाय करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, पुट बाय नहीं करेंगे, यहाँ पर पुट राइटर ज्यादा है तो ये सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। यहां से भी हम लोगों को, अगर आप किसी ट्रेड में फंसे हो या फिर नया ट्रेड की एंट्री लेनी है तो ये काम में आने वाला है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी होना चाहिए, यहाँ पर हम लोगों को कम्युनिटी बैचेस में ही 1 घंटा पूरा एक दिन का मिलता है, तो हम लोग उसमें बहुत ज्यादा डिटेल कवर करते हैं। तो ये पुट राइटर है रेड कलर वाले, ठीक है, और ये जो ग्रीन है ये कॉल राइटर है। अब देखो यहाँ पर पुट राइटर इंक्रीज हो रहे थे, साथ ही साथ कॉल राइटर भी इंक्रीज हो रहे थे, यानी कि लोग वहां का कॉल भी सेल कर रहे थे, लेकिन वहां से यू टर्न लिया मार्केट ने। आपने देखा बॉटम लगाया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, कल के वीडियो में हम लोगों ने ये सब कुछ डिटेल में देखा, ठीक है। यहां से डब्ल्यू पैटर्न बना करके मार्केट ऊपर जाने लगा, तब कॉल राइटर 350 के एग्जिट करने लगे, यहां पर निकलने लगे। इसका मतलब क्या? डेफिनेटली ये 350 गोइंग टू बी सपोर्ट, ये सपोर्ट होने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए, या तो आपको 350 का कॉल बाय करना चाहिए या फिर पुट सेल कर देना चाहिए। दोनों ही कंडीशंस में क्या आपको प्रॉफिट होता है? बाय द वे धन का अकाउंट, अगर आपको धन का अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम का और धन का, आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हो, इंस्टाग्राम का मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 350 की, यहाँ पर सीधा आप लोग चार्ट पे ही ऑप्शन चेन ओपन करके यही से बाय सेल भी कर सकते हो, बहुत ईजी होता है धन का अकाउंट में ट्रेड करना, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए खास करके है ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, मिडल में जो है मिडल वाला चार्ट हमारा यहाँ पर लग चुका है कॉल का, और ये वाला जो है हम लोग यहाँ से पुट का, यही स्क्रीन पर अटैच कर दिया। तो यहाँ पर हम लोगों को 30 EMA का ट्रेडिंग देखो कितना आसान हो जाता है। अब ये रहा आपके सामने ये वाला पुट नीचे गिरता हुआ और यहाँ से मार्केट ऊपर जाता हुआ, और उसके बाद ये कॉल एट द मनी का 150 के बाद ये कहाँ तक गया, 200 के करीब करीब, 190 के करीब करीब आपको ये एग्जिट दिया है, ठीक है। तो कॉल में अच्छा खासा पैसा बना, और इवन आप पुट सेल करते क्योंकि 350 के रेंज में पुट राइटर भी थे। मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूंगा ऑप्शन बाइंग से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए ऑप्शन सेलिंग को, ये ज्यादा आपको जो है ज्यादा बार प्रॉफिट देगा, ठीक है। ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या होगा, ऑप्शन बाइंग आपको कभी कभी प्रॉफिट देगा, मतलब 10 में से आपके 5 ट्रेड हो सकते हैं लॉस में जाए, 6 ट्रेड लॉस में जाए, 4 ट्रेड प्रॉफिट में जाए। यहाँ पर क्या होगा, उल्टा होगा, 10 में से आपके 1 या 2 ट्रेड लॉसेस में जाए, वो भी बहुत एग्रेसिव मार्केट हुआ तो आपके अगेंस्ट में गया तो ही आपको लॉस होने वाला है। यहाँ पर देखिए ये वाला अगर ट्रेड हम लोग लेते हैं, यहाँ कहीं पर स्टॉप लॉस रख के 15-16 रुपए का स्टॉप लॉस था, और ऑप्शन सेलिंग में आप दिन भर होल्ड कर सकते हो, आपकी डायरेक्शन में जा रहा है या फिर गिर करके साइडवेज हो रहा है। अब ये मार्केट क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर गिर करके ऊपर गया, ऊपर जाके साइडवेज हुआ, फिर भी पुट देखिए धीरे 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 करके गलता रहा, नीचे आता रहा। तो यहाँ पर कॉल अगर आपने बाय करके होल्ड किया होता, ठीक है, कॉल में यही दिक्कत है, आपने कॉल बाय करके यहाँ से बाय करके अगर आपने होल्ड किया होता तो पहले आपको आपका प्रॉफिट कम होता, आपका पूरा प्रॉफिट चला जाता, उसके बाद आपको प्रॉफिट दिखाता एंड देन वो प्रॉफिट भी खा जाता। यहाँ पर वैसे नहीं हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूअसली आपको प्रॉफिट ही दिखा रहा है। आप देखिए यहाँ कहीं पर आपकी बाइंग है 150 रुपीज में, ये जब नीचे की तरफ, ये जब इस तरीके से नीचे आया था तो आप देखिए आपका पूरा प्रॉफिट 150 पर आ चुका था ये कॉल, और इसको देखिए यहाँ से सेल किया है, क्या ये 125 तक पूरा गया है? पुट नहीं गया। क्यों नहीं गया? टाइम डिके का आपको फायदा मिल रहा है वहां पर, ऑप्शन सेलर को हमेशा टाइम डिके का फायदा मिलेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखिए कितना पैसा आपने बनाया है, डे एंडिंग की बात मैं कर रहा हूँ, डे एंडिंग पर आप क्लोज किए हैं 55 रुपए के पर शेयर के प्रॉफिट पर, और वहीं पर अगर आपने कॉल बाय किया होता, मैं दोनों का को डिफरेंस बता रहा हूँ, यहाँ मूविंग एवरेज के ऊपर आपने अगर कॉल बाय किया होता तो आपके पास डे एंडिंग में यहाँ क्लोज किया है 27 रुपए का प्रॉफिट होता। हाँ, यहाँ कहीं पर अगर आप एबल हो प्रॉफिट बुक करने के लिए या फिर टॉप पर प्रॉफिट बुक करें, मैं नहीं जानता कि कितने लोग टॉप पर प्रॉफिट बुक करते हैं, जो भी बुक करता है झूठे होते हैं, ठीक है, झूठ बोलते हैं लोग, कोई नहीं टॉप पर प्रॉफिट बुक करता। मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिटेल ट्रेडर की कैसे काम करती है। यहाँ कहीं पर एंट्री होगी और यहाँ से जब ये नीचे गिर रहा होगा यहाँ कहीं पर हमारी एग्जिट हो जाएगी, यानी कि ये पोर्शन जो है करीब करीब 10 रुपए का, 60 रुपए से लेकर 170 रुपए तक, 160 से 170 10 रुपए आपने कमाए। आपने भले ही 150 पे बाय नहीं किया है, आप यहाँ कहीं एंट्री करोगे टॉप पे तो कतई नहीं निकलोगे, ठीक है, या फिर डर के यही कहीं एक कैंडल में निकल जाओगे, ठीक है। ये रिटेल ट्रेडर का प्रॉब्लम है, इसलिए ऑप्शन सेलिंग जब आप करते हो तब आप ऑप्शन सेलिंग में ये चीज देखते हो कि हाँ टाइम डीके भी चल रहा है और अपने साइड में भी मार्केट जा रहा है, जैसे मार्केट
साइडवेज टू अप ट्रेंड जा रहा था ना, तो पुट निकालने का कोई जरूरत नहीं, पुट हमारा सेलिंग में है और इसने 55 रुपए प्रॉफिट दिया। मैं बता रहा हूँ आपको, 100 क्वांटिटी की भी आप कैपेसिटी बना लेते हो। और धन के अकाउंट का एक खासियत बात यह है कि आप यहाँ पर 4 रुपए वाला अगर पुट बाय करोगे, ठीक है, पहले पुट बाय करने देगा, दूसरे जो अकाउंट है उसमें आप पहले 3-4 रुपए वाला पुट बाय कॉल बाय नहीं कर सकते, छोटे अमाउंट का, ज्यादा बड़ा आउट ऑफ द मनी आप बाय नहीं कर सकते। धन के अकाउंट में आप बाय करके फिर सेलिंग की ऑर्डर डाल सकते हो ताकि आपका पहले ही मार्जिन, मैं यहाँ पर पहले ही आपको मतलब मंडे के दिन दिखा दूंगा कि 50 की क्वांटिटी यहाँ पर 55,000 से ही सेल हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या है, 1.25 लाख रुपए चाहिए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पे आपके पास है समझो, तो आप 100 की क्वांटिटी यहाँ पर सेल कर सकते हो। और सोचिए 100 की क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो और इनटू आप अगर 50 रुपए भी दिन का डीके का फायदा ले रहे हो तो भी आपका 5,000 रुपए दिन का बन रहा है, और 5,000 रुपए दिन का कम नहीं है, ठीक है, इस बात को आप समझो। तो 2.0 जो है वो आपको बताएगा, कंफर्म बताएगा ये चीजें कहाँ पर हो रही। इन डिटेल्स अगर सीखना है आपको तो फिर आपको सीखना ही पड़ेगा कि हाँ भाई इसके अंदर क्या होता है। ये जो होते हैं ग्रीन कलर वाले, ये होते हैं कॉल राइटर। ये अगर इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, और ये जो रेड वाले हैं ये अगर इंक्रीज हो रहा है लाइन तो आपको वहां पर सपोर्ट क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। तो 500 के लेवल पर कितना बड़ा कंफ्यूजन था, देखो पहले कॉल राइटर थे फिर बाद में पुट राइटर भी आए, क्योंकि मार्केट जब ऊपर चलने लगा तो वहां के पुट भी वहां पर सेल होने लगे, फिर कॉल राइटर वहां से निकले, एंड देन मार्केट अगेन थोड़ा सा नीचे आया तो पुट राइटर भी कॉल राइटर भी सिमिलर काइंड ऑफ बढ़ने लगे। यानी कि कंफ्यूजन कहां पर है, 500 की लेवल पर है, ठीक है। तो कंफ्यूजन जो है वो 500 की लेवल पर है, यानी कि रजिस्टेंस जो रहेगा अभी वो 500 रहेगा, क्योंकि कॉल राइटर यहां से निकले हैं, पुट राइटर यहां पर इंक्रीज हुए, ठीक है। तो ये चीज यहां पर इस तरीके से दिखाई दे रही है, सॉरी मैं रजिस्टेंस बोल गया, सपोर्ट बन सकता है इसके ऊपर अगर निकला तो ये सपोर्ट बन सकता है। लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए, अगर पक्का सपोर्ट अगर कोई चीज का है हम लोगों को तो वो है 23,000 का, ठीक है। 23,000 का सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी में बड़ी गिरावट, थोड़ी बहुत ज्यादा गिरावट आ सकती है। जब तक 23,000 के लेवल होल्ड कर रहा है निफ्टी में सेलिंग का बिल्कुल भी ट्राई मत करना, निफ्टी पॉजिटिव है, 524,000 तक भी निफ्टी जा सकती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अंदर होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे गेम ऑफ परसेंटेज, या फिर आप कमेंट करके बताओगे कि कौन सा वीडियो आपको देखना है तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो जो है वो बना दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो आपको मिलते रहेंगे। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।